अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा ना तो सबसे पहले जाकर वो व्लॉग देखो। मैंने पहली बार घर वालों के साथ प्रैंक किया, ठीक है। आप लोगों ने व्लॉग को देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी जो बिस्तुई है मैंने वो भी आप लोगों के साथ पूरी ओरिजिनल शेयर की है, ठीक है। क्या बात है सर। और आज जो है अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, बाहर से कढ़ाई खाने को दिल कर रहा था। वैसे अम्मी ने बनाया है, खिचड़ी भी बनाई है और काले चने का सालन भी बनाया, तो मैंने कहा वो हम कल खा लेंगे। अभी जो है हम बाहर जा रहे हैं, कुंदन की कढ़ाई लेंगे, वो आपको दिखाती हूँ। और जो है ना, मैंने रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर की है ना, वो आप लोगों ने पूरी देखनी है। और जब अम्बियाँ आएँ आपके पास तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा, पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, कोई सालन ना बनाओ, बस इसके आप पराठे के साथ भी खा लोगे ना, बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। बाकी ब्लॉग पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी आम की चटनी, ठीक है। ये वो वाले आम नहीं है जो आप खाते हैं, अम्बियाँ होती हैं ना छोटी, अचार वाली नहीं, दूसरी, ठीक है। उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। भाई, आप दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, गोश्त के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको अचार की कमी नहीं महसूस होगी, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होगी, ठीक है। और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और बहुत सस्ती बनेगी, यानी कि आपको अचार तो महंगा पड़ जाता है ना, और ये घर में बनाएंगे ना तो आपको जैम जैसा ही फील होगा, ठीक है। ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि ये ना बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, ना ये लिक्विड में यानी कि बहुत थिन है और ना ही बहुत थिक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 किलो आम की अम्बियाँ ले ली हैं और उसको धो के वॉश कर लिए, ठीक है। अचार वाली नहीं लेनी, आप जिससे भी लेने जाएंगे ना उसको बता दिएगा कि चटनी बनानी है, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको छील के ना, तो इस तरह छोटे छोटे से ना क्यूब्स बना लिए इसके, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटे करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। एक पैन ले लेना आपने, ठीक है, आपने सिल्वर नहीं लेना, स्टील लेना, ठीक है। उसके अंदर 2 कप पानी मैंने डाल दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना 1 किलो के लिए, ठीक है। 2 कप पानी इनफ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना वो बिल्कुल ही चटनी जैसा मिक्सचर बन जाएगा। हमें थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है। ये इसकी गुठलियाँ भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपने, मैं बार बार बता रही हूँ, स्टील की पतीली यूज़ करनी है, जनरल सिल्वर की नहीं करनी, वो थोड़ा सा ना कसेला टाइप बनेगा वरना, या नॉन स्टिक यूज़ कर लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसके बाद जितना भी कट करके रखा था ना, ये सारा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पानी कम लगेगा, लेकिन आपने पानी और बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठीक है। 2 कप बिल्कुल इनफ है, ठीक है। मैंने आपको घर के कप से बताया कि 2 कप इनफ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर, जितना भी आपने काम करना है वो मीडियम फ्लेम पर करना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून जो है वो सौंफ है, 1/2 टीस्पून कलवंजी है, 1/2 टीस्पून मिर्ची है, ठीक है, और पिंच है कलर की, फूड कलर की। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पानी है ना, ये पकना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने ये नहीं कि इसकी आंच तेज़ कर देनी है, वरना ये गलेंगी नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। अब आप देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे पानी में बॉयल आ रहा है ना, तो वो जो आम है ना छोटे, वो पकने शुरू हो गए हैं, क्यारियाँ वो पक के नीचे जा रही हैं, और आम का पानी ज़्यादा, यानी कि जो पानी इसमें हमने यूज़ किया वो ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना, जैसे सब्जियाँ फल, सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं, वैसे फल भी पानी छोड़ता है, ठीक है, तो वो उसका पानी में भी पकेगा। तो आपने क्या करना है कि 2 कप पानी ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये देखें, पानी ज़्यादा हो गया और वो सारा इसके अंदर डिप हो गई हैं, क्यारियाँ जो है ना वो सारी उसके अंदर डिप हो गई हैं। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसके अंदर मसाले ऐड कर देने। कौन से मसाले, यही जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पिंच आपने यूज़ करनी है येलो फूड कलर की, ठीक है। 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून आपने यूज़ करना है सौंफ, सौंफ से बहुत अच्छा इसकी खुशबू आएगी, और 1/2 टीस्पून आपने यूज़ करना है रेड चिली पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर। इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना क्योंकि हम खट्टी मीठी बना रहे हैं, ठीक है। आगे जाके आपको बताऊंगी चीनी कहाँ पर ऐड करनी है, अभी नहीं आपने ऐड करनी, ठीक है। इसको डालने के बाद आपने अच्छे से ना स्टिर कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको दोबारा पकाना है, ठीक है। ये आपने बस इससे ज़्यादा मसाले नहीं रखने, क्योंकि हमने खट्टी मीठी चटनी बनानी है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई कमी बेशी है, तो वो मैं आगे जाकर बताऊँगी कि कहाँ ऐड करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करना। और तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा पकाना है अभी, क्योंकि ये जो पानी है ना,
ये सूखा नहीं है, आपने इसके पानी को ना ऑलमोस्ट सुखा लेना है, ठीक है। इस कंडीशन पे जब आ जाए कि ये थिक हो जाए और आपको लगे कि जो अंबियाँ हैं ना वो यानी कि गल गई हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट हो गई हैं, तो आपने इस कंडीशन पे क्या करना है कि हाफ कप आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। हाफ कप ही करिएगा पहले, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कहाँ जाके और ऐड करनी है, ठीक है। हाफ कप ऐड कर दिएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना वरना ये जल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपने चीनी डालनी है ना तो उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो चीनी है ना वो इस कंडीशन पे अपना पानी छोड़ेगी और जो पानी छोड़ेगी वो उसके अंदर और पकेगा, ठीक है। ये जब आपको ना मैं चम्मच से बताऊँगी कि कैसे पता चलेगा कि आपने किस टाइम तक पकाना है, यहाँ पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब जो चीनी है ना वो जब पानी छोड़ने लग जाएगी ना तो इस तरह बॉयल होने लग जाएगी, इस कंडीशन पे इसको पकते रहने देना, ठीक है। आपने साथ साथ चम्मच चलाना है कि आप देख लें कि लग तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आपने इसको पकाना है, अच्छे से पकाना है। अब ये देखिए चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ इस कंडीशन पर कि जब चम्मच से मैं इसको नीचे कर रही हूँ ना तो ये पानी की तरह भी फील हो रहा है, ठीक है, चम्मच पर चिपक नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अभी इसमें कसर है, इसको पकाना है, ठीक है। ये देखें ये अभी भी ना इसके अंदर पानी आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे आप चाय बनाते हैं तो आपको पता चलता है ना कि अभी कसर है इसके अंदर, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। इस कंडीशन पे जब आप चाहें तो नमक मिर्च चीनी जो भी आपने यूज़ किया है वो इस कंडीशन पर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये चम्मच के साथ चिपक रहा है, ठीक है, बस आपने इस कंडीशन तक पकाना है, ठीक है। उस कंडीशन पे जब थोड़ा सा रह जाए ना तब नमक मिर्च चेक कर लेगा, चीनी चेक कर लें, और इस कंडीशन पे जब ये चम्मच के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये फुल डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना लड़की जवान होगी वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन पर ये देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आप इसको खाएँ, आप लोग दुआएँ देंगे, पराठे के साथ तो इतना टेस्टी लगता है कि आप अचार को भूल जाएंगे, ठीक है। जैम जैम की तरह लगेगा आपको, और ये आप एक हफ़्ते के लिए महफूज कर सकते हैं, फ्रिज में रखें, ठीक है, एक हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और कलवंजी के बेनिफिट्स अपने हैं, सौंफ के अपने हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।